महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दो, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। तीन, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। फोर, महात्मा गांधी की शिक्षा कहाँ हुई थी? महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। फाइव, महात्मा गांधी ने किस विद्यालय से अपनी वकालती पढ़ाई पूरी की थी? महात्मा गांधी ने लंबाई विद्यालय से अपनी वकालती पढ़ाई पूरी की थी। सिक्स, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात की थी। सेवन, गांधी जी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन का नेतृत्व किया था जिसमें उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। एट, गांधी जी ने किस आंदोलन का आयोजन किया था जिसमें अशुद्ध अंग्रेजी बर्दाश्त नहीं की गई? महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन का आयोजन किया था जिसमें अशुद्ध अंग्रेजी बर्दाश्त नहीं की गई। नौ, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया था? महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के दौरान दांडी मार्च किया था। टेन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का संचालन किया था जिसमें विदेशी कपड़ों के विरुद्ध आंदोलन था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का संचालन किया था जिसमें विदेशी कपड़ों के विरुद्ध आंदोलन था। 11, महात्मा गांधी ने किस देश में सत्याग्रह की प्रथा आरंभ की थी? महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की प्रथा आरंभ की थी। 12, गांधी जी ने किस संगठन की स्थापना की थी जो मुक्ति के लिए संघर्ष करता था? महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी जो मुक्ति के लिए संघर्ष करता था। 13, गांधी जी ने किस आंदोलन का संचालन किया था जिसमें अंग्रेजी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था? महात्मा गांधी ने खादी आंदोलन का संचालन किया था जिसमें अंग्रेजी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था। 14, गांधी जी को महात्मा कैसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को उनके विशाल योगदान के कारण महात्मा कहा जाता है। 15, गांधी जी ने किस आंदोलन का संचालन किया था जिसमें महिलाओं के उद्धार के लिए आंदोलन था? महात्मा गांधी ने हाक आंदोलन का संचालन किया था जिसमें महिलाओं के उद्धार के लिए आंदोलन था। 16, गांधी जी का विदेशी आंदोलन कब और कहां शुरू हुआ था? महात्मा गांधी का विदेशी आंदोलन 5 सितंबर 1906 को नेशनल कांग्रेस के कोलकाता सत्र में शुरू हुआ था। 17, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान असहयोग की विधि को अपनाया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान असहयोग की विधि को अपनाया था। 18, गांधी जी ने किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आयोजन किया था? महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आयोजन किया था। 19, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दंडी मार्च किया था? महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन के दौरान दंडी मार्च किया था। 20, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भारतीय गणतंत्र की मांग की थी? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय गणतंत्र की मांग की थी। 21, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। 22, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह की शुरुआत की थी? महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन के दौरान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 23, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान आंदोलनियों के लिए रणनीति बनाई थी? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान आंदोलनियों के लिए रणनीति बनाई थी। 24,
गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान स्वराज की मांग की थी? महात्मा गांधी ने बारडोली सत्याग्रह के दौरान स्वराज की मांग की थी। 25. महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार का समर्थन किया था? महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन के दौरान अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार का समर्थन किया था। 26. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान साम्राज्यवादी बराबरी की मांग की थी? महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान साम्राज्यवादी बराबरी की मांग की थी। 27. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान देश की एकता की मांग की थी? महात्मा गांधी ने बारडोली सत्याग्रह के दौरान देश की एकता की मांग की थी। 28. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान वार्षिक शिविर आयोजित किए थे? महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वार्षिक शिविर आयोजित किए थे। 29. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान नौजवानों के साथ सामरिक तालमेल किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान नौजवानों के साथ सामरिक तालमेल किया था। 30. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान उसका समर्थन किया था। 31. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध किया था? महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध किया था। 32. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान उन्नति और स्वदेशी को संघर्ष की धारा के रूप में लाया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान उन्नति और स्वदेशी को संघर्ष की धारा के रूप में लाया था। 33. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान स्वदेशी औद्योगिकरण की मांग की थी? महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी औद्योगिकरण की मांग की थी। 34. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान ग्राम स्वराज की मांग की थी? महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन के दौरान ग्राम स्वराज की मांग की थी। 35. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया था? महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया था। 36. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान व्यापारियों का सहयोग लिया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान व्यापारियों का सहयोग लिया था। 37. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान भारतीय महिलाओं की उच्चता का समर्थन किया था? महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय महिलाओं की उच्चता का समर्थन किया था। 38. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान छात्रों का सहयोग लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान छात्रों का सहयोग लिया था। 39. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दलितों के अधिकारों का समर्थन किया था? महात्मा गांधी ने हड़ताल आंदोलन के दौरान दलितों के अधिकारों का समर्थन किया था। 40. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान आर्य समाज के विरोध किया था? महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान आर्य समाज के विरोध किया था। 41. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान किसानों का सहयोग लिया था? महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन के दौरान किसानों का सहयोग लिया था। 42. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान गरीबों के हितों का समर्थन किया था? महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन के दौरान गरीबों के हितों का समर्थन किया था। 43. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान वैश्यों का सहयोग लिया था? महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान वैश्यों का सहयोग लिया था। 44. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान सामूहिक सत्याग्रह की पहल की थी? महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन के दौरान सामूहिक सत्याग्रह की पहल की थी। 45. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान शिक्षा को अधिक महत्व दिया था?
महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन आंदोलन के दौरान शिक्षा को अधिक महत्व दिया था। 46. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान समानता और न्याय की मांग की थी? महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान समानता और न्याय की मांग की थी। 47. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान स्त्री शिक्षा को उच्चता दिलाने की मांग की थी? महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्त्री शिक्षा को उच्चता दिलाने की मांग की थी। 48. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान बंदी छोड़ आंदोलन का समर्थन किया था? महात्मा गांधी ने बंदी छोड़ आंदोलन के दौरान उसका समर्थन किया था। 49. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया था। 50. गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का त्याग किया था? महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों का त्याग किया था।